काफी इयर्स से रवीना टंडन नहीं आई नजर किसी हिंदी फिल्म में, लेकिन उन्हें जरूर देखा गया इन KGF चैप्टर 2, जो बनी ऑल टाइम इंडियन थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अब रवीना आने वाली है नजर बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर। जी हाँ, उन्होंने हासिल कर लिया है लीड रोल इन दी सोशल ड्रामा मूवी पटना शुक्ला, जिसे प्रोड्यूस करेंगे अरबाज खान अपने बैनर अरबाज खान प्रोडक्शन के अंडर। कुछ ही देर पहले आए नजर अरबाज अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल शेयर करते, जहां इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि अरबाज अपनी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर लेकर आएंगे ऑडियंस के लिए पटना शुक्ला। वैसे आपको बता दें कि अरबाज के प्रोडक्शन बैनर के अंडर ये उनकी 6th मूवी होने वाली है, जहां मूवी का पार्ट होंगे सतीश कौशिक, मानव विज, चंदन रॉय सन्याल, जतिन गोस्वामी, अनुष्का कौशिक जैसे कई सेलेब्स। अरबाज ने इस न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए कैप्शन में इन्फॉर्म किया है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। वहीं रवीना भी दिखी इसी पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से शेयर करती टू इन्फॉर्म हर फैंस अबाउट हर अपकमिंग प्रोजेक्ट। फिल्म को लिखा है विवेक बुडाकोटी ने, बट डायरेक्ट करेगा कौन ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। जहां पटना शुक्ला मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही थिएटर्स में देखने को मिलेगी, तो वही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी ईयर रवीना को रोमांटिक कॉमेडी फिल्म घुड़चड़ी में जरूर देखा जाएगा, जहां वो स्क्रीन पर नजर आएंगी विद संजय दत्त। वैसे तो रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आने वाले हैं अरबाज भी नजर इन अपकमिंग रियलिटी वेब सीरीज अरोरा सिस्टर्स। जी हाँ, मलाइका अरोरा एंड अमृता अरोरा को फीचर करने वाली सीरीज में अपीयरेंस लेंगे अरबाज भी, और उन्हीं के साथ अर्जुन कपूर भी, यानी मलाइका के एक्स हस्बैंड अरबाज एंड करंट लवर अर्जुन का होगा आमना सामना। वेल, अब कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में इसके बारे में तो मलाइका ही बता सकती है, बट श्योरिटी है इस बात की कि रवीना तो लेने वाली है एक बिग कम बैक इन हिंदी सिनेमा विद घुड़चड़ी एंड पटना शुक्ला। टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज, कीप वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।